दुआ दी थी कि अल्लाह ताला करे कि आपके बच्चों को कभी कोई तकलीफ ना आए, लेकिन आप खुद कहते हैं कि आप सरबरा वालिद की तरह होते हैं, तो अगर खुदा न खास्ता आपके घर में ये आफत आती तो क्या आप उनको भी ब्लैक मेलर्स कहते, यही बात करते? बहुत वैसे हर शख्स हैरान है, 22 करोड़ आवाम हैरान है कि आप जा नहीं सके, लेकिन हम गर्दी के दो बोल तो आप बोल सकते थे। और फिर आप ये कहते हैं कि अपने मुर्दों को दफनाओ, मैं तब आऊँगा। आप शर्तें लगा रहे हैं उनके साथ। भाई जिन लोगों की तुम चीखों पुकार पर नहीं गए, आहो बता पर नहीं गए, उनके मुर्दे दफनाने के बाद अगर तुम उनके पास जाओगे तो उनको तुम्हारी क्या ज़रूरत है? जब तुम उनके दुख की घड़ी में उनके साथ शरीक नहीं हुए तो उसके बाद तुम जितनी दफ़ा मर्जी जाओ, तुम्हारे ना जाने की कोई हैसियत है ना तुम्हारे जाने को तब कोई मानेगा। कितने मुस्तकबिल उजड़ गए, कितनी माओं की गोदें उजड़ गईं, कितने बहनों के भाई चले गए, क़यामत टूटी उन लोगों पर, खुले आसमान के नीचे वो बैठे हैं और आप लाशों के साथ ज़िद लगा कर बैठे, आप लाशों के साथ मुकाबला कर रहे हैं, आप मजलूमों के साथ मुकाबला कर रहे हैं और ज़िद लगा के बैठे, आपकी अना और तकब्बुर जो है वो आपको वहाँ जाने नहीं दे रहा। बड़ी बड़ी अजीब बात। अगर तकब्बुर और हठ धर्मी का कोई चेहरा होता तो इमरान खान जैसा। और फिर ये भी कहा गया कि मीडिया को नहीं बताया जा सकता कि इमरान खान साहब के ना जाने की क्या वजह। अगर तो वो वजह सिक्योरिटी थी, अगर तो वो वजह कोई आपकी ज़िंदगी की हिफाजत थी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमें भी ख़तरा था, हमें भी मना किया गया, सिक्योरिटी क्लियरेंस हमें भी नहीं मिली, लेकिन हम वहाँ गए, जो भी हम कर सकते थे वो हमने किया। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ और कौन भी ये पूछने में हक बजाने पे कि आप वहाँ पर तशरीफ़ नहीं ले गए, आपकी ज़िंदगी को अगर ख़तरा था तो क्या 22 करोड़ आवाम की ज़िंदगी और वो जो 10 ताबूत वहाँ पर पड़े हैं उन कानपुरों की ज़िंदगी से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी जो है वो उसकी कीमत ज़्यादा है, आपकी ज़िंदगी उससे ज़्यादा कीमती है? जिन 22 करोड़ आवाम पर आप मुसल्लत हैं उनकी ज़िंदगियों की कोई कीमत नहीं, कोई हैसियत नहीं, आपकी ज़िंदगी उनसे ज़्यादा कीमती है? मैं फिर कहूँगी कि आपकी ज़िम्मेदारी नहीं थी, आपका फ़र्ज था और इस फ़र्ज को आप निभाने में नाकाम हुए। आप न सिर्फ गुज़दिल हैं, डरपोक हैं, बल्कि अगर आप सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से वहाँ नहीं गए तो आपको सिलेक्ट होने की बहुत जल्दी थी, आपको फिर हज़ार बार सोचना चाहिए था कि ये कौम की 22 करोड़ आवाम की ज़िम्मेदारी आपके सर पे आई है, इसका जवाब आपको अल्लाह ताला को देना पड़ेगा, इसका जवाब आपको 22 करोड़ आवाम को देना पड़ेगा, इसका जवाब आपको न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि अल्लाह ताला को भी देना पड़ेगा। क्या जवाब देंगे? और अचानक वो जो 6 दिन से वजीर रट लगा रहे हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट था, वो तो आज खुद ही इन्होंने बता दिया कि सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था, वो अना थी, वो जिद था और वो ब्लैकमेलिंग थी। ये आप खुद आज अवाम को बता रहे हैं। दिस इज पाकिस्तान ऑब्जर्वर। विजिट आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू।